चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर छतरपुर से बता दें, जहां शिवरंजनी तिवारी की तबियत बिगड़ी है। बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले शिवरंजनी तिवारी की तबियत बिगड़ी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से विवाह की मनोकामना है। पैदल बागेश्वर धाम की यात्रा पर है शिवरंजनी तिवारी और गंगोत्री से पैदल यात्रा कर रही है शिवरंजनी। और बता दें कि बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले शिवरंजनी तिवारी की तबियत बिगड़ी है, तो पैदल बागेश्वर धाम की यात्रा पर शिवरंजनी तिवारी निकली हैं और गंगोत्री से पैदल यात्रा कर रही हैं। वीकनेस थी और लूज मोशन हुए थे, उसके कारण थोड़ी सी उनकी तबियत खराब हुई थी। अभी उनका चेकअप कर लिया गया है और उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है और आराम करने की सलाह दी है ताकि वो वीकनेस से रिकवर हो। एडमिट हुई नहीं, वो कहाँ निकल गई है? जी वो अभी किसी परिचित के यहाँ पे जाने के लिए बोला है ताकि वो आराम कर पाए और स्वास्थ्य लाभ लें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी है? रितु, जैसा कि डॉक्टर ने जानकारी दी है कि वो यहाँ पर उनके साथ जो लोग थे वो लेकर आए और उसके बाद प्राइमरी जो इलाज है वो दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन या ऐसे ही कुछ शिकायत थी, कोई खास इस तरह की चीज नहीं थी, जिस वजह से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें रवाना कर दिया है। दूसरी चीज यदि तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा कि लगभग 4:30-5 बजे के लगभग ये जो छतरपुर से लगभग 18-20 किलोमीटर है गढ़ी मलहरा, वहां पर ये पाई गई थी और उसके बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे में ये छतरपुर आ गई। मतलब कि जो पैदल यात्रा की जो बात कही जा रही है उसमें बड़ा संशय यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि एक दो वाहनों का काफिला भी है और पैदल कोई भी शख्स जो है जो इतनी लंबी यात्रा कर रहा हो वो इतनी स्पीड में इतनी दूरी तय नहीं कर सकता। तो बीच में भी मीडिया कर्मियों ने इनको फॉलो किया तो बीच में पता चला कि गढ़ी मलहरा के बाद से सीधे वो छतरपुर ही दिखी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा झोल है। लेकिन फिलहाल अभी जो तबीयत खराब होने की बात थी उसको लेकर ये जिला अस्पताल पहुंची, वहां पर जो मौजूद डॉक्टर थे उन्होंने देखा, प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद फिर किसी परिचित के यहाँ वो रवाना हो गई हैं। अब इस बात की जानकारी नहीं है कि वो परिचित कहाँ का है, छतरपुर का ही है या फिर बाहर का है, तो इस बात की जानकारी अपडेट पहुंचाते रहेगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की मनोकामना को लेकर पैदल यात्रा पर निकली है शिवरंजनी, गंगोत्री से इस यात्रा की शुरुआत की और बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले उनकी तबियत बिगड़ी है। और खबर